ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ नमः सिद्धेवे ॐ नमः सिद्धेवे ॐ नमः सिद्धेवे श्री वीतरागाय नमः ॐ नमो अरते भगवते श्रीमते पार्थितंगराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुए सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्री मर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्य वंश कराय सत्य ज्ञानाय सत ब्रह्मणे धनेन्द्र प्रणाम मंडित मंडिताय ऋषि हारिका चावक चाविका प्रमुख चतुर संग विनाशनाय गाति कर्म विनाशनाय अगाति कर्म विनाशनाय अस्माकम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज तत्सिज उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज आरिका श्री 105 ज्ञानमती माता जी चंद्रमती माता जी दक्षमती माता जी स्वास्थलावार्थम ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री दीदी स्वास्थलावार्थम अपवायाम मैतुम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयाम सर्वशत्रुभयाम सर्वसर्गभयाम सर्वविघ्नभयाम सर्वभयाम सर्वराजभयाम सर्वचोरभयाम सर्वदुष्टभयाम सर्वमृगभयाम सर्वमात्मभयाम सर्वपरमान्त्राम सर्वचूलरोगाम सर्वचयरोगाम सर्वकुष्ठरोगाम सर्वक्रूररोगाम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वमारी सर्वगोमारी सर्वमैचिमारी सर्वधान्यमारी सर्ववृक्षमारी सर्वगुलमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वमारी सर्वे ताल जाग्निमयम जिन्न जिन्न भिन्न भिन्न सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम ग्रीम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम संवत तेजो बल शौर्य वीर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर केट करवर दोन मुक्त संभाग नंदनाम सर्व लोकानंदनाम सर्व देशानंदनाम सर्व यजमानंदनाम सर्व दुख आने आने पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम क्रू क्रू स्वा यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्वर्षन् वर्जितम् अभ्यं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकं सकल दिगंबर जैन समाजस्य एवं समस्त शांति धाराकर्ता परिवार आज के प्रथम शांति धाराकर्ता परिवार और ओजस्वी जैन परिवार नीमच मध्य प्रदेश की तरफ से आज की शांति धारा श्री दिगंबर प्रसाद जी जैन संतोष जी जैन सौरभ जैन एकता जैन अनुष्का जैन ऋत्विक जैन अपनी नई बिल्डिंग की रजिस्ट्री के उपलक्ष्य में परिवार द्वारा शांति धारा तृतीय शांति धाराकर्ता परिवार श्री अतुल जी जैन शक्तिनगर से श्री नसीब जी सोनी ममता नीतू मनीत पीयूष लोहित पलक स्मिता रिद्धि सब परिवार की सुख समृद्धि व शांति के लिए शांति धारा 18 उपासना कुंज गुणमंडी से श्री भूपत राय जी अमृतलाल मोदी श्रीमती रजना बहन भूपत राय मोदी श्रीमती ख्याति मंशा व चिरंजीवी हेतु भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ निरोग्यता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांति धारा स्वर्गीय श्रीमती उषा जी जैन परिवार अजय जी जैन ऋतु जी जैन शक्तिनगर वालों द्वारा भी शांति धारा श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार पवन प्रीति अंकुर त्रिशला सिमरन गोदा परिवार शक्तिनगर से श्री अशोक जी जैन नरेंद्र जी जैन जगजो टेरर साना प्रतापबाग से श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी वीरेंद्र जी पायल जी रिश्वीटिया व आर एस सोनी प्रीत विहार से श्री राजीव जी जैन अनीता जी जैन ममता वैभव नेहा मार्दव पुलकित ऐश्वर्य आर्ज प्रियंका अर्पित पारुल अतिन रूपाशी डेलकोर बटेडस प्रीत विहार से स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जी जैन सुनील जी जैन स्वाति जी जैन परिवार सीसी कॉलोनी से श्री सुरेश
जी जैन, नरेश जी जैन, किलोना वाला परिवार, रूपनगर वालों द्वारा भी शांति धारा, आरिका 105, श्री दक्षमती, चंद्रमती, ज्ञानमती माता जी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ हेतु शांति धारा, समस्त शांति धारा कर्ता परिवार, टीवी के सामने देखने वाले सुनने वाले व यहाँ उपस्थित सभी जैन परिवार से पुष्टिरस्तो, तुष्टिरस्तो, समृद्धिरस्तो, कल्याणमस्तो, सुखमस्तो, अभिवृद्धिरस्तो, दीर्घायुरस्तो, कुलगोत्र धनानी सदा संतु, सधर्म श्रीपाल, आरोग्यम ऐश्वर्यम, अभिवृद्धिरस्तु, सोधम स्वशिष्य पर शिष्यवर्ग प्रसिदंतु नः। ओम राम ह्रीं रूम रूम रह, नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतो। नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतो भवतो भवतो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्याउसा अनहात विद्याय नमो अरियंतानम ह्रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशीर दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोग उपसर्ग मृत्यु विनाशनाय, सब प्रकृत शुद्ध रोग द्रव विनाशनाय, सर्व शाम नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रह, आसी आउसा अरहम नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु वशिष्ठ स्वाहा। संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन समान तपोदनानम, देश से राष्ट्र से पूर से राज्ञा, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांति ऐसे प्रभु जी। चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सोदे पसुदूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रह जिन नाथ महम्यज। ओम ह्रीं साक्षात वेदी में विराजमान श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय, श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय, श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय, श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय, अभिषेकांते मस्कोपरि शांति धारानंते अर्घम निरपमति स्वाम। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है कि श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग गुड़मंडी दिल्ली के दिल के बीच में, जो आप सभी की मेहनत से, सभी के प्रयासों से, सभी के सहयोग से, शायद विश्व का एकमात्र मंदिर होगा जिसमें दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष से, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहां से बाहर से, अमेरिका, जापान, लंदन, सभी जगह से पैसा भूमि के अंदर आपने दे करके ये विशाल मंदिर जो करीब 1800 गज जगह में बन रहा है, आप सभी के सहयोग से बन रहा है। बंधुओं, ये मंदिर दिल्ली का नहीं कहलाएगा, यह मंदिर श्री दिगंबर जैन समाज, पूरे भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज का बनने वाला एकमात्र मंदिर, जिसमें शायद तीन क्षेत्रों के बाद में पहला मंदिर होगा कि जहां पर आप सभी ने इस कार्य में भाग लिया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इसी के बराबर में एक 500 गज में जो हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, आप लोग थोड़े सुस्त हो गए हैं, हमें करीब 454 गज का पैसा हमारे पास में आ गया है, करीब 46 गज का पैसा हमें इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए जो भूमि लेनी है उसके अंदर अभी बाकी है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, एक गज की राशि मात्र 1,00,000 रुपए की है, और सोचिए कि इससे बड़ा कार्य आप सभी ने कोरोना में देखा कि हॉस्पिटल की हमें कितनी जरूरत है, और अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो शायद ये काम पूरा नहीं होगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिनकी भी भावनाएं अच्छी हैं,
जिनका भी पैसा सदुपयोग में लगना है, इससे अच्छा कार्य कोई नहीं हो सकता है। बंधुओं, हम मंदिर भी बना रहे हैं, धर्मशालाएं भी बना रहे हैं, स्कूल भी बना रहे हैं, पर हॉस्पिटल भी हमें बनाने पड़ेंगे, और वो जब ही बनेंगे जब आप सब लोग सहयोग करेंगे। मैं आपको बता दूं, अभी छोटी सी ओपीडी हम 80 गज में चला रहे हैं, उसमें रोज 50 से 60 भाई बहन दिखाते हैं, जिन्हें मात्र 20 रुपए में हम निःशुल्क दवाइयों सहित पूरी सुविधा उनको वहां पर देते हैं, सभी तरह के टेस्ट करते हैं, और भी जो कार्य होता है सब हॉस्पिटल में हम करते हैं, मात्र 20 रुपए लेते हैं। ये सभी आप सभी के सहयोग से चल रहा है। अभी इस हॉस्पिटल की भूमि में हमारे पास में 12 पैटर्न ट्रस्टी जिनके परिवार के द्वारा 21 लाख रुपए की राशि दी गई है, और 4 ट्रस्टी जिनके परिवार की तरफ से 11 लाख रुपए की राशि दी गई है। आप में से भी अगर कोई पैटर्न ट्रस्टी बनना चाहता हो, मात्र 21 लाख रुपए की राशि है, कोई ट्रस्टी बनना चाहता हो उसकी राशि 11 लाख रुपए की है, आप आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं उसकी राशि मात्र 5 लाख रुपए की है, 5 साल के लिए अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं उसकी राशि मात्र 2,51,000 रुपए की है, और 1 गज भूमि अगर देना चाहते हैं तो उसकी राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। आपका नाम आपके जीवन के लिए नहीं, आपकी पूरे परिवार के लिए, आपके हजारों साल तक यहाँ पर जो हॉस्पिटल चलेगा उसके अंदर आपके परिवार का नाम रहेगा। बंधुओं, कहते हैं कि आपकी वजह से किसी एक आदमी का भी स्वास्थ्य लाभ हो गया हो, एक आदमी भी अगर बच गया तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं हो सकता है। मेरी भावना को देखते हुए आप जल्दी से जल्दी इस कार्य में करें, क्योंकि भूमि लेने के पश्चात ही हॉस्पिटल बनाने का कार्य करना है, और हॉस्पिटल बनाने में जैसा आप सभी को पता है एक ही परिवार के द्वारा, श्रीमान आर के जैन राजस्थली परिवार के द्वारा यहाँ पर पूरी राशि बोली गई है, पर वह जब ही बनेगा जब आप लोग भूमि में काम हमारा पूरा कर देंगे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं शायद पहली बार कोई ऐसी 24 ही जिसमें 24 मंदिर अलग अलग बन रहे हैं, उसमें से हमारे पास में 15 नाम 15 परिवारों के आ चुके हैं, जिनके परिवारों के द्वारा 21 लाख रुपए की राशि मंदिर व प्रतिमा में दी गई है। मात्र 9 मंदिर व 9 प्रतिमाएं हमारे पास शेष बची है। आप अपने परिवार की तरफ से 21 लाख रुपए की राशि देकर के 31 इंची की धातु की प्रतिमा जो करीब 500 किलो वजन की यहाँ बन रही है उसके अंदर भी भाग ले सकते हैं। बंधुओं, जब तक आप रहेंगे उसके पश्चात भी लाखों वर्षों तक आपके परिवार का नाम इस मंदिर के माध्यम से चलेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप मंदिर व मूर्ति अगर देना चाहते हैं तो राशि 21 लाख रुपए की है, केवल प्रतिमा देना चाहते हैं तो उसकी राशि 11 लाख रुपए की है, और केवल वेदी देना चाहते हैं उसकी भी राशि 11 लाख रुपए की है। बहुत ही जल्दी 2023 में या 2024 में हम इसका पंच कल्याण करने वाले हैं, और आप देखेंगे कि यह भी एक दुनिया का विश्व का बहुत बड़ा पंच कल्याण होने वाला है, क्योंकि इसमें हजारों परिवारों का साथ हमारे साथ रहेगा। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने परिवार की तरफ से जो भी देना चाहे देकर के बंधुओं इस पुण्य लाभ को अवश्य ले। जैसा आपको पता है करीब 3 साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है हमारे यहाँ पर लोग रोज गरीबों को भोजन करवाया जाता है। आप अपने परिवार की तरफ से आपकी शादी की वर्षगांठ पर, बच्चे के जन्मदिन पर या और किसी कार्य पर आप अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर भोजन भी करवा सकते हैं, जिसकी संपूर्ण भोजन की एक दिन की राशि करीब 22,000 रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से 22,000 नहीं दे 11,5100 जो आपकी इच्छा हो देकर के यहाँ गरीबों को भोजन करवा सकते हैं, मेडिसिन दिलवा सकते हैं, शांति धारा करवा सकते हैं, कोई भी कार्य अपने परिवार की तरफ से करवा करके इस पुण्य लाभ को ले सकते हैं। बंधुओं, मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि जो हॉस्पिटल हमारा बनने वाला है उसमें हमें केवल 44 गज का पैसा अभी और चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वो 31 जनवरी तक आप सभी लोग जो भी टीवी के माध्यम से सुनेंगे इसे पूरा करेंगे, और अगले महीने में शायद इस हॉस्पिटल का हम निर्माण चालू कर देंगे। जय श्री।